बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे शनीला ज़ैनब इज़ अगेन हेयर विद यू फॉर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव व्लॉग। आज मैं जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो है वो एक दो चीज़ें बताऊंगी जिस जो के स्पेशली मॉन्टेसरी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी और वो इसमें काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले हम कैपिटल लेटर को प्रॉपर लाइन्स के अंदर लिखना सीखेंगे। जैसे कि मैंने कुछ राइट डाउन किए हुए यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। कैपिटल लेटर्स जो हैं वो मोस्टली ऊपर वाली थ्री लाइंस में ही जो है वो राइट डाउन किए जाते हैं। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स Y एंड Z। अब मैं इसके साथ ही आपको जो है वो स्मॉल लेटर्स जो है वो लोअर केस लेटर्स जो है वो राइट डाउन करूँगी, फिर उसके बाद हम जो है वो कर्सिव राइटिंग को लिखना सीखेंगे। स्मॉल लेटर्स या हम इनको लोअर केस लेटर्स भी बोलते हैं, स्मॉल लेटर्स। या इसको हम लोअर केस लेटर्स भी जो है वो बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एल एम एन ओ पी Q R S T U V W X Y and Z। तो ये तो हैं स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स। इनको मैं एक दफ़ा फिर से आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। नाउ दिस वन स्मॉल और लोअर केस लेटर्स, ए बी सी डी, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर लाइंस के अंदर जो है वो हम इसको इस तरह से राइट डाउन करते हैं, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई जी। अब जो है मैं सबसे पहले आपको फोर लेटर्स को कर्सिव राइटिंग में लिखना बताऊंगी। फोर लेटर्स को हम कर्सिव राइटिंग में किस तरह से राइट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ए टू जी जो है वो प्रॉपर जो है वो कर्सिव राइटिंग में राइट डाउन करना सिखाऊंगी। कर्सिव राइटिंग,
अब मैं आपको कर्सिव राइटिंग को लिखना सिखाऊंगी। ए बी सी एंड डी, ई एफ जी एंड एच, आई जे के एल, एम एन ओ पी। यहाँ पे हम फोर फोर लेटर्स को कर्सिव राइटिंग में लिखना सीख रहे हैं। ओ पी, देन क्यू, आर, एस एंड टी, यू, वी, डब्ल्यू एंड एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, वाई एंड जी। ये जो है हमारी फोर लेटर्स को मैंने आपको कर्सिव राइटिंग में लिखना बताया। अब देखें, जैसे कि यहाँ के मैंने राइट डाउन किए हैं, यहाँ पे ए टू जी जो है वो कर्सिव राइटिंग में राइट डाउन किए हैं। ये मैंने पहले राइट डाउन किया, मैं अगेन आपको इसको लिखना सिखा रही हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। मैं अगेन आपको यही जो है वो दोबारा से लिखना बता रही हूँ। ए टू जी हम कर्सिव राइटिंग को अगेन राइट डाउन करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सब लेटर्स को जो है वो कर्सिव राइटिंग में राइट डाउन किए हैं। तो अब हम इनके हमने सबसे पहले कैपिटल स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स एंड कर्सिव राइटिंग को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा। डिटेल में मेरे ख्याल में मैंने आपको डिस्कस आपके साथ किया। अब जो है वो हम थ्री ओल्ड लेटर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है वो स्काई लेटर्स। सबसे पहले क्या है? स्काई लेटर्स, स्काई लेटर्स। सबसे पहले जो है वो स्काई लेटर्स, देन उसके बाद जो है वो स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स, ग्रास लेटर्स एंड देन जो है वो हम डिस्कस करेंगे रूट लेटर्स, रूट लेटर्स, रूट लेटर्स। अब हम इन तीन लेटर्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे लेटर्स जो के
थ्री फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन को टच करते हैं, वो जो है वो लेटर्स जो होते हैं वो स्काई लेटर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम सर्कल करते हैं, अब यहाँ पे देखें बी बी डी एफ एच के एल टी, दीज फाइव लेटर्स आर स्काई लेटर्स जो मैंने आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने जिनको सर्कल किया वो स्काई लेटर्स हैं, जो ऊपर वाली थ्री लाइंस को टच कर रहे हैं वो स्काई लेटर्स हैं। अब यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं स्काई लेटर्स को, अब यहाँ पे देखें मैंने स्काई लेटर्स को राइट किया है, जो ऊपर वाली थ्री लाइंस को टच करें वो लेटर्स जो हैं वो हमारे स्काई लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब वो लेटर्स, अब ग्रास लेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसे वहीं से हम इसको ग्रास लेटर्स को फाइंड आउट करेंगे और उनको हम जो है वो अब ब्लैक से सर्कल करेंगे। ठीक है, जो इसमें ग्रास लेटर्स है, ऐसे लेटर्स जो कि टू लाइंस को, सेंटर वाली टू लाइंस को टच करते हैं वो जो होते हैं वो ग्रास लेटर्स होते हैं, यानी जिनका साइज सेम होता है टू लाइंस को, ना फर्स्ट लाइन को टच करते हैं और ना ही फोर्थ लाइन को टच करते हैं, वो जो होते हैं वो ग्रास लेटर्स होते हैं। अब ग्रास लेटर्स को हम ब्लैक से हाईलाइट करेंगे, जैसे ए सी डी आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एन एक्स। अब देखें, आप जैसे देख सकते हैं जो लेटर्स मैंने ब्लैक से हाईलाइट किए हैं वो जो हैं वो लेटर्स ग्रास लेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को, फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन को टच नहीं कर रहे बल्कि सेकंड एंड थर्ड लाइन में जो है वो रहते हैं। जैसे ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको राइट डाउन करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वो लेटर्स यहाँ पे राइट डाउन किए हैं जो के ग्रास लेटर्स हैं। सबसे ऊपर सब मैंने स्काई लेटर्स राइट डाउन किए हैं, बी डी एफ एच के एल एन टी आर स्काई लेटर्स, ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, दीज आर ग्रास लेटर्स। अब हम जो है वो रूट लेटर्स को डिस्कस करेंगे। अब देखें यहाँ पे हम जो रूट लेटर्स हैं, ऐसे लेटर्स जो थर्ड फोर सॉरी जो थर्ड सेकंड एंड फोर्थ लाइन को जो है वो टच करते हैं वो जो है वो हमारे क्या होते हैं, रूट लेटर्स। जैसे कि अब हम उसको टिक मार्क करेंगे, जी जे पी वाई एंड जी, दीज आर रूट लेटर्स, दीज आर रूट लेटर्स। अब यहाँ पे देखें जो रेड से सर्कल हुए हुए हैं वो हमारे पास हैं स्काई लेटर्स, और जो ब्लैक से सर्कल हुए हुए हैं वो हमारे पास हैं ग्रास लेटर्स, एंड जो टिक मार्क हो गए हैं वो जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, रूट लेटर्स। अब इनको भी हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे। G
G, J, P, Y, and Z. These are root letters. अब यहाँ पे हमने जो है वो सबसे पहले स्मॉल सबसे पहले हमने कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कर्सिव राइटिंग, फोर लेटर कर्सिव राइटिंग एंड देन ए टू जी कर्सिव लेटर्स एंड देन हमने स्काई लेटर्स, फिर हमने रूट लेटर्स, देन हमने ग्रास लेटर्स. इन थ्री लेटर्स को डिस्कस किया है. इंशाल्लाह हम उम्मीद है आपको बहुत सारी बात चीज़ें जो पहले आपको नहीं मालूम थी वो अब आपको मालूम हो गई होंगी. अगर आपको मेरा ये व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया या कोई नई चीज़ आपको यहाँ देखने या सुनने में आई तो आप प्लीज़ मेरे मेरे व्लॉग को जो है वो ज़रूर जो है वो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा कि क्या आप नेक्स्ट जो है वो मुझसे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे अगेन किसी अच्छे से व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव सी व्लॉग के साथ फिर से मुलाकात होगी. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.